स्टार प्लस के हाई टीआरपी रेटेड सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में एक बार फिर से होने वाली है अरमान की शादी पोस्टपोन एक बार फिर से। अब हीरा का दुल्हन बनने का जो ख्वाब है वो शायद ख्वाब ही रह जाएगा। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भाई बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी प्यारी जो अभीरा है वो बहुत कोशिश करेगी अरमान को संभालने के उसके मुश्किल वक्त में। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि कैसे अभीरा और अरमान के दोबारा एक साथ आने से जो कावेरी है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए मिसेस पोदार चली गई हैं घर छोड़कर, जहां पर उनका हाल हो जाने वाला है बुरा। सोर्सेस की माने तो अपकमिंग ट्रैक में कावेरी का होने वाला है एक्सीडेंट। दरअसल गाड़ी चलाते चलाते अभीरा से यहाँ पर सारी बातों को अपने ब्रेन में घुमाते घुमाते कावेरी को हो जाएगा हार्ट अटैक और वो ड्राइविंग करते करते एक पेड़ से जाकर उनकी गाड़ी टकरा जाएगी, जिसके बाद उनको कोई होश नहीं रहने वाला है। सोर्सेस की माने तो शो के अपकमिंग ट्रैक में यही ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि जहाँ पर कावेरी हॉस्पिटल होगी और अरमान जब अपने घर वालों के सहमति के साथ कावेरी की सहमति छोड़कर जब जा रहा होगा शादी करने के लिए, तभी उसको आएगी खबर और उसे पता चलेगा कि कावेरी का हो गया है एक्सीडेंट। और हर बार की तरह विद्या चारू जो इधर से उधर उल्टे का पलटा करते रहते हैं, एक बार फिर से वो नेगेटिव होते हुए नज़र आएंगे। सभी लोग घर में इतना ज़्यादा तमाशा करने वाले हैं कि सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते आपको नज़र आने वाले हैं, जिसे देखकर अभीरा को अच्छा नहीं लगेगा और वो भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं उसने अरमान की ज़िंदगी में आकर गलती तो नहीं कर ली। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ अभीरा और अरमान की ही गलती बताता हुआ नज़र आएगा, तो यहां पर अरमान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाएगा। इस घर का जो हाल हो रहा है, दादी सा की जो तबीयत हो रही है, वो सब सिर्फ और सिर्फ अरमान की बदौलत हो रही है। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि कैसे अरमान की हालत काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली होगी। अभीरा उसे संभालने की कोशिश तो करेगी, उसे संभालते हुए नजर आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्विस्ट तो तब आएगा जब अभीरा को अरमान की कही हुई बातें याद आएंगी, जहां अरमान ने अभीरा से प्रपोज करते हुए कहा था कि तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मैं जानता हूं कि सब मुझे यहां पर किसी न किसी मतलब से प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा जो प्यार है वो बिना किसी मतलब के एकदम सेल्फलेस लव है, जिसे सुनकर अभीरा यहाँ पर अरमान का साथ देने का मन बनाएगी या फिर सब के एलिगेशंस को सुनकर वो अरमान की ज़िंदगी से बाहर जाने का सोचेगी। क्योंकि चाहे जो हो जाए, जिस हालत में कावेरी नज़र आ रही है उससे दूर दूर तक तो कहीं ये महसूस हो नहीं रहा कि कावेरी अरमान और अभीरा का रिश्ता एक्सेप्ट करेगी। वैसे सोर्सेस की माने तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अरमान और अभीरा मिलकर के एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ में इस सिचुएशन से लड़ने की शक्ति इन दोनों में आने वाली है। अरमान अभीरा से कहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये तो समझ चुका हूँ कि जो भी कोई मुझे प्यार करता है उनका कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और तुम मुझसे सेल्फलेस लव करती हो। तो अभीरा, क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे साथ में खड़े होकर के इस पूरे मामले को सुलझाने में मेरी मदद करोगी? अभीरा भी यहाँ पर अरमान को झट से लगा लेती है गले और वो सोचती है कि अरमान को यहाँ पर मुझ पर इतना भरोसा है तो मुझे उसके साथ हमेशा खड़ा रहना होगा, क्योंकि अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो अरमान का विश्वास ही नहीं, उसका प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ डगमगा जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अरमान और अभीरा ने यहाँ पर जो फैसला लिया है कि वो दादी सा के ठीक हो जाने के बाद ही शादी करेंगे, और अभीरा यहाँ पर कहती हुई अरमान से नज़र आएगी कि हम दादी साहब को हॉस्पिटल से जब घर ले जाएंगे तो उन्हें हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और जब तक दादी साहब कन्विंस नहीं हो जाती हम शादी नहीं करेंगे। वेल, अब क्या लगता है, सब कुछ कावेरी के हाथों में है, क्या वो हाँ करेगी या ना? कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।